हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट वैश्व फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल की डेट में यहाँ पर ऑलरेडी दो वीडियो आई थी होप आपने देखी होगी यहाँ पर अलका से रिलेटेड बातें करी गई थी वो भागता हुआ दिखाई दिया था शेयर तो यहाँ पर इस तरीके के शेयर आपको बताए जाते हैं जो कि पे तो ब्रेकआउट हो जाते हैं या फिर आ, अगर बात करें नीचे के लेवल से आपको ऐसे शेयर बताए जाते हैं जो कि भागते हुए दिखाई देते हैं तो देखिए यहाँ पर आ, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम स्टॉक से रिलेटेड तो बातें करेंगे ही करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर बट अगर हम बात करें इस वीडियो में हम ऐसी बातें आपको चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बताएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी क्योंकि चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं ओके रोल प्ले करते हैं तो आइए वीडियो की तरह चलते हैं जानते हैं उन पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे प्ले को गो थ्रू करें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है बट अपने फाइनेंशियर वाइज खुद की स्टडी करके आप वहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दूसरे लोगों के पास वीडियोज पहुंचता है और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते है आई विल ट्राई टू गिव यू प्रॉपर रिप्लाई अकॉर्डिंग टू माई व्यू और माई ओपिनियन तो ये वीडियो की तरफ हम चलते हैं तो देखिए आपने uh, चार्ट पैटर्न के बारे में सुना होगा आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं ओके okay, हम एक एक सिंपल चार्ट पैटर्न के रिलेटेड हम बातें करेंगे ओके okay, और आज से मैं अलग अलग चार्ट पैटर्न से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा और विद एग्जांपल हम बातें करेंगे उस शेयर से रिलेटेड तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज हम सीखेंगे ट्रिपल बॉटम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न होता कैसा है पहले तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है तो देखिए ऐसा जो चार्ट पैटर्न होता है ना ये शेयर ना नीचे आता हुआ दिखाई देता है ओके जिक्सैग मोशन में चलता है ऐसा मत समझिएगा जो इस तरीके से लाइन बन रही है तो इस तरीके से ही चलेगा और थोड़ा वो आपको देखना पड़ेगा चार्ट में जाके जो कि हम अभी देखेंगे तब आपको बताऊंगा बिल्कुल सेम भी नहीं होगा कि हाँ एक ही नेक लाइन बनेगी इसी तरीके से यहाँ पर सब चीज बनता हुआ नजर आएगा ऐसा कुछ नहीं सिंपली आपको अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरीके की पोजिशन रहेगी आपको चार्ट पैटर्न में यहाँ पर देखना होगा जिक्सैग मोशन में जैसे कि चार्ट चलते ही है और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे मतलब डाउनवर्ड्स वहां यहाँ पर होगा फिर उसके

about that ओके okay, तीन तरीके तीन यहाँ पर लो बनाता हुआ नजर आएगा तीन टाइम थ्री थ्री टाइम्स यहाँ पर टच करता हुआ नजर आएगा उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न और अगर यही दो आ, एक होता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न तो उसमें अगर यहाँ पर दो बार में ही यहाँ पर से करके सीधे यहाँ से निकल जाता है इसे ये क्रिएट नहीं करता तो वो तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न होता है तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आज की डेट में आपको देना चाहूंगा जो कि ब्रेकआउट हो चुके हैं और जो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट होंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और उससे रिलेटेड हम बात करते हैं तो ट्रिपल बॉटम क्या होता है आपको समझ में आ गया एक चार्ट पैटर्न है जो कि यहाँ पर एक बार डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा फिर यहाँ पर कुछ टाइम तक यहाँ पर एक तरीके कंसोलिडेट करेगा या फिर कह सकते हैं कि तीन यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनाएगा या फिर दो लाइन बनाएगा डबल बॉटम हो जाएगा फिर यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो ये हमें अप्लाई कहा करना है ये सबसे पहले तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो भी आपको बताया जाता है वो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से रिलेटेड बताया जाता है तो हमेशा माइंड में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर का नाम याद रखिएगा तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देंगे जो इस तरीके के ब्रेकआउट हो चुके हैं ओके okay, और जो कि धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता अब ऐसा नहीं है देखिए कि सीधे भागता जाएगा अपर सर्किट लगेगा ऐसा नहीं आ, या फिर लोअर सर्किट में ऐसा भी नहीं सिंपली आ, आपको वो ट्रेड करते हुए नजर आएंगे ऊपर नीचे तो हम बात करते हैं रिलायंस की रिलायंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रिलायंस ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया यहाँ पर दूसरा बॉटम बनाया जो मैं आपको बताया देखिए ऊपर नीचे यहाँ पर बॉटम हो सकते हैं तो उसे मत देखिएगा तो देखिए यहाँ पर एक बॉटम फिर यहाँ पर एक दूसरा बॉटम फिर यहाँ पर देखिए तीसरा बॉटम ओके okay, और तो फिर यहां पर से थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आके यहां पर देखिए ऊपर निकलता हुआ नजर आया तो यहाँ पर देखिए शेयर क्या होगा इसे यहीं पर ही जिससे ऊपर जाना था बट आ, इसमें क्या होता है इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होता है हमें कहाँ पर खरीदना होता है ब्रेकआउट देखिए यहाँ पर तो शेयर हमें खरीदना ही है हम तो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि नीचे लेवल से खरीदे ताकि हम ऊपर लेवल तक जाए बट अगर समटाइम्स हम यहाँ पर नहीं खरीद पाते तो ब्रेकआउट क्या होता है ब्रेकआउट में ना शेयर को देखिए यहाँ पर आ, कैसे खरीदना चाहिए इसमें अगर रेड कैंडल बन रही है तो हमें यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है ओके रेड कैंडल बट अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है उस केस में हमें यहाँ पर बाइंग करनी होती है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ब्रेक यहाँ पर देखिए त्रिपल बॉटम बनाया बट यहाँ पर हम ब्रेकआउट हो गया था तो शेयर को ऊपर जाना चाहिए था बट यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी और रेड कैंडल की वजह से ये शेयर देखिए यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया फिर उसके बाद भागता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई ग्रीन कैंडल बना के एक छोटी सी रेड कैंडल और अगले दिन ही इसने ग्रीन कैंडल तो ये सिग्नल मिल गया था कि हमें यहाँ से क्या करना है यहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ जा ये शेयर चार्ट भागता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर एक

तो देखिए इसने भी देखिए इसी तरीके से तीन चार्ट पैटर्न बनाते हुए दिखाई दिया यहां पर देखिए यहां पर ये नीचे आया

ये नीचे आया फिर उसके बाद जब ऊपर गया तो इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई सिग्नल हो, तो हो गया था तोड़ा तो एक यहां पर हुआ दिखाई दिया तो होप तो आप समझ रहे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री से रिलेटेड तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी कैसा है तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए यहां पर शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया फिर इसने एक बॉटम बनाया फिर यहाँ पर दूसरा बॉटम बनाया फिर इसने तीसरा बॉटम बनाया ओके यहाँ पर ये ये पूरा नहीं हो पाया था फिर यहाँ पर देखिए ये चार पैटर्न नीचे से ही आ गया था फिर ये थर्ड इसे थर्ड बॉटम कहेंगे मोस्टली और फिर अगर देखिए नीचे आया फिर उसके बाद ऊपर गया और ऊपर जब गया तो देखिए यहाँ पर इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा रेड कैंडल में नीचे आया बट इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया था अगर हम यहाँ पर बात करें इसके नेक लाइन से रिलेटेड जो कि यहाँ पर देखिए आती थी तो यहाँ पर इसने एक बड़ा सा ब्रेक डाउन दे दिया तो इसलिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को माना जाएगा फिर इसका थोड़ा सा नीचे आके शेयर देखिए ऊपर निकल गया और यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पर टच कर दिया बयालीस के आसपास तो इस तरीके से ये ट्रिपल ये जो बात करते हैं ट्रिपल बॉटम ये काम करता हुआ दिखाई देता है और इसमें यहाँ पर ब्रेकआउट का पता चलता है इस वेल इस पता चलता है ये शेयर इस तरीके से भागते हुए दिखाई देंगे तो हमने यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ पर काफी बार यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करी है ओके और यहाँ पर अब यहाँ पर ये जब हमने ये सीखा है तो इसके अकॉर्डिंग हम ये अगले शेयर में भी अप्लाई करेंगे तो ये तो एग्जाम्पल हो गए जो इस तरीके से ब्रेकआउट दे चुके हैं बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ बना, बना तो थी और आपको बताया था कि ये शेयर दोबारा इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर सॉरी ये ब्रेकआउट यहाँ पर दे कभी भी दे सकता है तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर शेयर में तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर दो तो तरीके का यहाँ पर चार्ट है आप तो आप स्मॉल चार्ट पैटर्न ले सकते हैं या फिर आप लॉन्ग वाला ले सकते हैं तो अगर क्या होगा यहाँ पर एक, एक लाइन बनाई मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये नीचे आता हुआ दिखाई दिया ओके फिर इसने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया फिर एक बॉटम दो ठीक है फिर इसके बाद यहाँ पर बॉटम लगा लीजिए थ्री और यहाँ से देखिए ये रेड कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसमें ऊपर हो गई तो इसका मतलब है यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉट ये ऊपर शेयर जब हुआ दिखाई दे सकता है ओके इसे कंसीडर कर लीजिए ओके या फिर आप इसे भी कंसीडर कर सकता है एक दो तीन तो इस तरीके से ये इस तरीके से आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी अगर आप सोच रहे हो कि इस तरीके की क्लियर पिक्चर मिलेगी कि यहाँ पर ही और बिल्कुल आपको एज इट इज आपको मिलाना होगा ऐसा नहीं मिलेगा आपको एग्जेक्ट मोशन में शेयर चलते हैं आपको पता ही है तो इसलिए आपको ये चीज मिलानी होगी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक डब्लू शेप का ऐसा बनाता हुआ दिखाई देगा और ट्रिपल डब्लू टाइप में इस तरीके से और ये शेयर इस तरीके से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा तो ऐसे में ये शेयर ब्रेकआउट होता है और लोग काफी टाइम यहाँ पर इसी चीज को पकड़ के यहाँ पर शेयर को बाइंग करते हैं और फिर ऊपर की तरफ ये शेयर चब जाते हुए दिखाई देता है देखिए ये शेयर अब यहाँ पर ब्रेकआउट पे बहुत टाइम इसे कंसोलिडेट करते हुए भी हो गया है ओके लगभग लगभग काफी टाइम से यहाँ पर देखिये जैन से तो अभी तक आठ महीने नौ महीने हो गए ये शेयर भागे ही नहीं है और ऑल टाइम ऐसे से भी बड़ा पीछे

वल ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो ये वल भी देखिए इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्मॉल उसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैं एक बार इसे ले लेता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बार इसने कोशिश करी थी बट यहाँ रेड कैंडल आ गई तो रेड कैंडल की वजह से ये नीचे आ गया ओके तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर मिलेगी और इसी तरीके से इस लाइन पे ही आप ड्रॉ करके आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर से ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेयर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर गया फिर यहाँ पर देखिये यहाँ गया फिर इसके बाद थोड़ा सा इसे तीसरा बॉटम समझ लीजिए कि इसने तीसरा बॉटम बनाया और तीसरा बॉटम बना के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम टाइप के बन गया और यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडली बन रही है तो यहाँ पर ये शेयर फिर अब ऊपर की तरफ ब्रेक आउट कर सकता है पहला लेवल हमेशा पाइवेट्स पॉइंट्स जितने होते हैं जो इनके पॉइंट्स होते हैं वहीं तक ही जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर देखिए चौबीस सौ का यहाँ पर पहला पॉइंट्स होगा फिर उसके बाद देखते हैं कि शायद ये फिर उस दूसरा कोई चार्ट पैटर्न या फिर कोई और चार्ट पैटर्न बना के ये शायद ऊपर निकले बट ऑल टाइम हाई तक इसे इससे पहुँचना है थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा पर शेयर को ऊपर जाना है तो इस तरीके से इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए इसने ब्रेकआउट और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया है ओके यहाँ से ब्रेकआउट देख और ये शेयर ऊपर की तरफ निकल जाएगा क्योंकि यहाँ इसके पॉइवेट पॉइंट्स के आसपास ही यहाँ पर शेयर ऑलरेडी चल भी रहा है तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बात कर, करना चाहूंगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्लपूल की वर्लपूल ऑफ इंडिया सॉरी वर्लफूल की हमने बात बात कर ली हम बात करेंगे एस्ट्राजैनिका की एस्ट्राजैनिका फार्मा आपको पता ही है शेयर काफी टाइम काफी लोग यहाँ पर परेशान हो गए हैं और यहाँ पर मुझे ये डबल डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये शेयर शायद डबल बॉटम बना के ये शेयर नीचे निकल जाए तो देखिए ये शेयर नीचे आया अच्छा खासा ओके okay, और नीचे आके यहाँ पर इसने ये बनाया फिर इसके बाद ये यहाँ पर नीचे आया तो ये देखिए डब्लू की शेप का ये कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है आपको तो शायद ये डब्ल्यू शेप बना के डबल बॉटम बना के ये शायद की तरफ निकल और आपको अच्छे अच्छा खासा दे सकता है। और यहाँ पर ये, ये शेयर कभी भी ऊपर की तरफ निकल जाता है और यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे गिरा तो शायद फिर यहाँ पर ये नीचे की डायरेक्शन में भी जा सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली ये डब्ल्यू शेप बनाता हुआ नजर आ रहा है और इसके रिजल्ट भी और वैक्सीनेशन आपको चालू हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली

इस पॉइंट्स के हिसाब से ही आपको क्या लग रहा है वो उस हिसाब से मार्केट किसका उसका सेंटिमेंटल क्या है उस हिसाब से क्योंकि वॉलेटाइट शेयर है गिरता भी तेजी से और भागता भी अगर ये भागना होगा तो यहाँ पर पा, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न दे देगा जैसे दे यहाँ पर देखे 50 परसेंट के रिटर्न इसने आप एक महीने से कम में दे यहाँ पर दे दिए थे तो ये यह तीन यहाँ पर चार्ट मैंने आपको बता दिए तीन मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिए कि कौन से एग्जांपल इस तरीके से पहले फिट हुए हैं और आपको ट्रिपल बॉटम होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया तो इस तरीके से आपको <coughs> सॉरी ये आपको स्टॉक चेक करने होंगे और इस तरीके से ही यहाँ पर ये पॉइंट्स बनाते हुए नजर आते हैं इसी तरीके से ये ब्रेकआउट होते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर शेयर और चार्ट पैटर्न के थ्रू चलते हुए नजर आते हैं तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करनी है ब्रेकआउट स्टॉक भी बताए आपको चार्ट पैटर्न भी बताया इस तरीके से और भी एक चार्ट पैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो आज की डेट में और लाने वाला हूँ उस वीडियो को भी देखिएगा उसमें भी इसी तरीके का एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझ में आएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस